हंस के जो तोड़ दिए वादे ए खुदा, सपने क्यों टूट गए सारे तू बता। तेरे बाजों कुछ नहीं दिसदा, दस मैं की करां। रातां भी गिण गिण तारे रावां तक दी साजना। राबिया की जिंदगी तबाह की है ना? क्या? हाँ, अपनी बेटी की हिमायत लेकर आपने अनाबिया की जिंदगी तबाह बर्बाद की। जब से वो इस घर से गई है, उसके पीछे मैंने फरा को पकड़ा उस लड़के के साथ, और आप ये बात अच्छी तरह जानती थी, फिर भी आपने फरा को बचाया। सपने क्यों टूट गए सारे तू बता। डॉक्टर साहब, अब कैसी तबीयत है मेरे भाई की? हार्ट अटैक बहुत सीवियर था, हम उनको बचा नहीं सके। इस नो मोर फॉर अस, सब्र कीजिए, जो अल्लाह की मर्जी। साजदा, साजदा, अरे साजदा, अम्मी, साजदा, अम्मी, अम्मी क्या हो गया? भूख नहीं है मुझे। नहीं, आप चौथा दिन है, आपने कुछ भी नहीं खाया, प्लीज थोड़ा सा तो खा लें। मैंने कहा ना मुझे नहीं खाना। आपको अपने हाथों से खिलाती हूँ। मैंने कहा ना अलिशबा, मुझे नहीं खाना है। काश मैं तुम्हारे अब्बू के साथ मर जाती, क्यों नहीं मरी मैं? अम्मी आप क्या कह रही हैं? सही कह रही हूँ मैं, रोज रोज मरने से तो बेहतर है। कहती थी राजदमा जी कि मैंने अपनी दोनों बेटियों को बहुत ढील दे रखी है, इससे ना दिया तुम दोनों ने मेरी मोहब्बत का बर्बाद कर दिया, इस घर को तुम दोनों ने।
मर क्यों नहीं गई? जिंदा क्यों है अभी तक? अच्छा होता क्यों मर जाती? मर जाती सब कुछ इसकी वजह से बर्बाद हो गया, सब कुछ इसकी वजह से बर्बाद हो गया, घर खत्म हो गया। मनुष्य है ये और तुम भी मनुष्य हो, दोनों की वजह से मरा है तुम्हारा बाप, दोनों की वजह से मरा। हाँ भैया, क्या फैसला किया तुमने? किस बारे में? तलाक के बारे में और किस बारे में? अम्मी मैं उसे तलाक नहीं दूंगा, वो मेरी बीवी है। किस लिए उसे अपनी बहू बनाकर घर में रखूं मैं? अम्मी ये उसका घर है, वो मेरी बीवी है, आपकी बहू, और ये मत भूलिए कि वो आपकी भतीजी भी है। कभी नहीं, मैं उस लड़की को इस घर में बर्दाश्त नहीं कर सकती, बस तुम्हें उसे तलाक देनी होगी। कमाल कर रही हो, तुम्हें मालूम भी है कि उस वक्त क्या हालात थे अलिश्बा के जब ये हादसा पेश आया? अनीस साहब, लोग हालात नहीं पूछते, कब हुआ, क्यों हुआ, कैसे हुआ। और आप रहने दीजिए, अब आप मेरा मुंह मत खुलवाइए, बताऊं मैं आपको? तुम्हें शर्म आनी चाहिए अपनी बच्ची के लिए ऐसी बात करते हुए। आपको क्या हक पहुंचता है ये कहने का भाई? मुझे हक पहुंचता है, मेरी मर्जी के खिलाफ हुई थी ना ये शादी, तो देख लिया, देख लिया आपने इस शादी का अंजाम। ये लड़की हमें हर जगह जलील कराएगी। अम्मी प्लीज, वो मेरी बीवी है और मैं हर हाल में उसके साथ खड़ा रहूंगा। अच्छा, तो तुम अब भी उस लड़की के साथ खड़े हो? जी, मैं अब भी यही कह रहा हूं। पछताओगे, बहुत पछताओगे तुम। अरे अभी तो तुम जज्बाती हो रहे हो ना, तुम देखना कुछ अरसे के बाद जब तुम्हारे जज्बात ठंडे पड़ जाएंगे ना, तब तुम्हें मेरी एक एक बात याद आएगी, फिर तुम्हें याद आएगा कि माँ ने क्या कहा था। अरे अब भी समझ जाओ, अभी भी वक्त नहीं गुजरा, अभी भी वक्त बाकी है। ये देखो मैं तुम्हारे हाथ जोड़ती, समझ जाओ तुम। अगर ये एक मजबूत बात कर रहा है, अच्छा फैसला करने जा रहा है, तो उसे करने दो, हर्जी क्या है इसमें? आप तो बस रहने दीजिए, एक तो वो गलत फैसला करने जा रहा है, ऊपर से आप उसे शह दे रहे हैं। अरे भाई ये इसकी जिंदगी है, इसे खुद फैसला करने दो। देख रही हूँ मैं बहुत अच्छी तरह से इसका फैसला, और एक बात बताइए आप मुझे, इस बात का कौन फैसला करेगा कि वो कसूरवार नहीं है? आप अच्छी तरह से जानते कि वो तो पहले ही अपने। क्या कह रही हो तुम, किस तरह की फजूल बातें हो रही है ये? अफसोस होता है मुझे आपकी सोच में, किसी पे तोहमत लगाना भी गुनाह है बेगम, और ये तो हमारे घर की बच्ची है, बचपन से देख रहे हैं उसे। हाँ देख रही हूँ बचपन से, लेकिन जवानी में जो उसने किया है ना, वो अब नजर आ रहा है। बस कर दो खुदा के लिए, अब बहुत हो गया। कुछ जिस्मानी नक्श हो जाए तो क्या शादी तोड़ दी जाती है? ये एक मुकद्दस रिश्ता होता है बेगम, और मेहरबानी करके ये उसकी जिंदगी है, उसे ही गुजारनी है, उसे ही फैसला करने दीजिए। अब आगे एक लफ्ज भी मत कहिएगा। लेकिन मैंने कह दिया है कि मैं उस लड़की को घर में नहीं आने दूंगी। अगर वो इस घर में नहीं आएगी तो तुम्हारा बेटा घर छोड़ के चला जाएगा। देखो खालदा, प्लीज ट्राई एंड अंडरस्टैंड, ये बहुत मुश्किल वक्त है, हमारे लिए भी और जफर भाई के घर वालों के लिए। अरे वो हमारा खून है, हम रिश्तेदार हैं उनके, अगर हम मुश्किल में उनके साथ नहीं खड़े होंगे तो कौन खड़ा होगा? तुम्हारा भाई है, अगर भाई जिंदा नहीं रहा तो क्या हो गया? खून का रिश्ता तो कायम है ना अभी तक। ऐसे भी हमारा बेटा समझदार है, जो भी फैसला करेगा दुरुस्त करेगा। Ha ha ha.
मम्मी प्लीज ना रोए ना, चुप भी कर जाए। रो नहीं तो और क्या करूं, साजिदा का सुहाग उजड़ गया वो बैठ की इज्जत और अना की वजह से। नहीं अम्मी, ऐसी कोई भी बात नहीं है, उबैद भाई की वजह से कुछ भी नहीं हुआ, ये सब तो अल्लाह की मर्जी थी अम्मी। जफर भाई अलिश्पा का सदमा बर्दाश्त नहीं कर सके, मेरी आंखों में तो साजिदा की शक्ल घूम रही। अरे वो तो बिल्कुल अकेली हो गई, दो बेटियां, एक तलाकशुदा और दूसरी। अच्छा ना अम्मी, प्लीज चुप हो जाएं, अब अगर आप इस तरह रोती रहेंगी ना तो आपकी तबीयत और खराब हो जाएगी। यहाँ जिंदगी खराब हो गई तो तबीयत की बात करें। अच्छा आप प्लीज चुप हो जाएं और मुंह धो लें और चलकर कुछ खाना खा लें। नहीं, मुझे भूख नहीं है, तुम खा लो। बताओ साजिदा का क्या हाल होगा। अम्मी क्या अब हम अपने घर की टेंशन छोड़कर दूसरों के बारे में सोचते रहेंगे। दूसरे नहीं है वो, सकी खाला है तेरी। जानती हूँ। देखो बैद आ गया क्या। हाँ आ गए भाई, जा जाके देख ले। मैं क्या करूँ उन्हें देखकर, सीधे मुंह बात तक तो करते नहीं है वो मुझसे। आप ये बताएं कि आप खाना खा रही हैं या मैं अकेले जाके खा रही। मैं नहीं खा रही खाना, नहीं जी चाह रहा भी। अम्मी प्लीज, वो मेरी बीवी है और मैं हर हाल में उसके साथ खड़ा रहूंगा। अरे अभी तो तुम जज्बाती हो रहे हो ना, तुम देखना कुछ अरसे के बाद जब तुम्हारे जज्बात ठंडे पड़ जाएंगे ना तब तुम्हें मेरी एक एक बात याद आएगी, फिर तुम्हें याद आएगा कि माँ ने क्या कहा था। अरे अब भी समझ जाओ, अभी भी वक्त नहीं गुजरा, अभी भी वक्त बाकी है। ये देखो मैं तुम्हारे हाथ जोड़ती, समझ जाओ तुम। अम्मी क्या कर रही हैं? अम्मी सो रही हैं। तुम बताओ मुनीब का फोन आया? नहीं। तुमने भी नहीं किया होगा। कोई फोन नहीं आएगा ना जी, खालदा पप्पू मुझे किसी सूरत कबूल नहीं करेंगे। अबू तो मेरी वजह से इस दुनिया से चले गए हैं ना, कितनी मनहूस हूं मैं। बातें मत करो, कोई कसूर नहीं है तुम्हारा। आप कहाँ जा रही हैं? उस कमीने इंसान के पास जा रही हूं मैं। अन्ना जी। अलिश्बा कौन है? आ रही हूँ। वसीम कहाँ जी? वसीम कहाँ है? अंदर है। हटो। अन्ना जी, अना जी, आज तो मैं इसे छोड़ूंगी ही नहीं। कहाँ है कमीने जलील इंसान? उठ अना जी। क्या किया तुमने मेरी बहन के साथ? मैं कहती हूँ उठो, जवाब दो मुझे। तुमने मेरी बहन की जिंदगी तबाह और बर्बाद कर दी, तो तुम्हारी वजह से घर में आके बैठी है। मैं बोलती हूँ मैं तुम्हें जान से मार दूंगी। तू जैसे इंसान को तो चौराहे पे मारना चाहिए। बदनाम करके रख दिया है मेरे बेटे को, इल्जाम लगा रही हो?
तुम दोनों बहनें कैसी हो मैं अच्छी तरह जानती हूँ। उसका बेटा बड़ा अच्छा है ना, बदमाश एक नंबर का, जलील इंसान ना हो तो बाहर निकल। अरे छोड़ो, बाहर निकल। जैसे ससुरालों से तुम करके आई हो ना, जो जलालत तुमने अपने ससुरालों में दिखाई है सबको पता है। मेरे बेटे पर इल्जाम मत लगाओ। खाला अपने बेटे के साथ मत लो, बीच में मत आओ, मैं बता दूं। चलो अरे चलो चलो यहां से बाहर निकलो, बच्चा बच्चा बाहर आ, तुम बाहर चलो। मैं कहती हूं कि हाथ नहीं लगाना इसे, हाथ नहीं लगाना, तुम निकलो यहां से, तुम निकलो यहां से। अरे निकलो निकलो, बाहर देख लूंगी तुम लोग, बाहर निकल तू, तुम्हें तो मैं देख, बाहर निकलो और बड़ा मत बनना, आ जा बाहर, चलो बाहर हटो, तुम मुझसे पंगा नहीं लेना, चलो निकलो यहाँ से, चलो निकलो यहाँ से, निकल निकल बाहर। आइंदा मेरे घर में कदम रखा ना तो तेरा वो हशर करूंगी कि सारी जिंदगी याद रखेगी। अरे हशर करना है तो अपने बेटे का करो, मेरी मानो तो ऐसे बेटे को फांसी लगा दो। मेरे बेटे पर इल्जाम नहीं लगाओ, सबको पता है कि तूने अपने बाप को सदमे दे देकर मार दिया। खबरदार जो मेरे बेटे पर कुछ कहा। बड़ा अच्छा है ना तुम्हारा बेटा, उसको अगर मैंने जान से ना मारा ना तो मेरा नाम बदल देना। चल 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 निकल यहाँ से, चल 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 निकल 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 यहाँ से। जो तुम लोग क्या देख रहे हो, निकलो यहाँ से, माशा लगा के रखा है। हवा 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 कुछ बुलटा दे, कहाँ खुली खुली का पता दे। अब अबे और ताड़ू सिंह क्या कर रहा बे, जरा बांध दो खिलाइयो। फर्क भाई वो फिर उबैद के बहनोई का बन रहा है। अभी क्या पागल कुत्ते ने काटा है मुझे, जो मैं उबैद जैसे पागल इंसान का बहनोई बनूंगा। हाँ फिर वो उबैद की बहन के साथ आशिकी माशिकी वो सब ड्रामा था। अबे ये जो लड़की होती ना साली, होती ही ड्रामेबाज, शादी से पहले ड्रामे, शादी के बाद ड्रामे। ये साला यार क्या कर, दिमाग की देख रहे। फारूक भाई मुझे बचा लो वरना अलिश्पा के घरवाले मुझे छोड़ेंगे नहीं, प्लीज मुझे बचा लो भाई प्लीज। अबे आराम से सांस तो सही ले ले, मर्द का बच्चा बन, अबे इतना डर क्यों रहा है। और बात सुन, उस वक्त तुझे ख्याल नहीं आया जब तेरे जहन पर शैतान सवार था। भाई मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई है, कुछ करता हूँ तेरे लिए। जा काम कर, अपने बाप से बोल 5 लाख रुपए का बंदोबस्त कर दे, अब मैं सेटिंग करवा दूंगा तेरी। इस तरह के जो केसेस होते हैं ना उनमें कुछ नहीं होता। वो भाई आज अनाबिया ने घर पे घुस के मुझे मारा। साला लड़की से पट गया। वो फारूक भाई मुझे तो कासिम से भी बहुत डर लगता है, कहीं जान से ना मार दे मुझे कभी। नहीं नहीं भाई कासिम तुझे क्यों मारेगा, कुछ भी कर सकता है भाई, मुझे मुझे बचा लो फारूक भाई, कहीं भी छुपा लो मुझे। अबे कुछ नहीं होगा ना, बोल रहा हूँ तुझे मैं। अच्छा एक काम कर, कुछ दिनों के लिए ना ये शहर छोड़ दे, अपने रिश्तेदारों के यहाँ चले जा, 2-3 महीने में मामला ठंडा हो जाएगा। या फिर ये हो सकता है कि अनाबिया वाले किसी और मोहल्ले में शिफ्ट हो जाए। भाई वाकई में उन्होंने ऐसा कुछ कहा है? अबे ओ अकल का दुश्मन, इस तरह के मामलों में ऐसा ही होता है। अच्छा चल निकल अब यहाँ से और अपने घर में जाकर छुप जा, घर वालों को बोल दे कि अगर कोई मेरा पूछे तो बोले मैं घर पे नहीं हूँ, अपना मोबाइल फोन सब कुछ बंद कर दे, कोई आए तो बोल दे मैं घर पे नहीं हूँ, कहीं बाहर चला गया हूँ। ठीक है भाई। भाई वो बाहर कहाँ? ये साथ वाली गली में वो है ना रफीक पान वाला, उसके पास चले जा। अबे अकल के दुश्मन, मुल्क से बाहर चले जा, चल निकल यहाँ से। वो फारूक भाई मैं कह रहा था कि अबे तू गुद्दी के नीचे तेरे क्या? चल बेटा निकल, शाबाश। भाई बात अबे सवाल खत्म क्यों नहीं हो रहे तेरे, जा ना यहाँ से। अबे क्या हम अचार पूरी शिकार हैं,
कौन है हम? साला गेम खुद करें और संभाले हम। हमने ठेका लिया हुआ किसी का, इदी सेंटर खोला हुआ यहाँ पे। पान बोला था तुझे। चले आप भी जाइए, जाइए, चलो चलो। तो बेटा ये आपका हतमी फैसला है? जी अब। बेटे मुझे बहुत खुशी है कि तुमने सही फैसला किया है। मैं भरपूर तरीके से तुम्हारे साथ हूँ। अब मैंने रियलाइज किया है कि ये मेरा फर्ज है कि इस मुश्किल घड़ी में मैं अलिश्बा का साथ, उसके साथ खड़ा रहूं। तुम वो पहला पत्थर होगे जो इस मुर्दा माशरे में हलचल मचा देगा, वरना इस माशरे ने तो औरत को गुलाम बना के रखा हुआ है। दरिंदे खुलेआम घूम रहे। मेरी दुआ है कि अल्लाह ताला तुम्हें अपने मकसद में कामयाब करे बेटे, साबित कदम रखे। और देखो तुम भी अपने फैसले पे अटल रहना। अबू मैंने बहुत सोच समझ के ये फैसला किया है और अब पीछे हटने की कोई गुंजाइश बाकी नहीं। बहुत कुछ सुनना पड़ेगा बेटा तुम्हें। पता नहीं लोग क्या क्या बातें बनाएंगे। यही तुम्हारा असल इम्तिहान होगा, इन बातों को बर्दाश्त करना। मैं तुम्हारे साथ हूं, बल्कि इस केस में मैं तुम्हें असिस्ट करूंगा। अबू मैं चाहता हूं कि ये केस आप लड़ें। नहीं बेटा, ये आपका केस है, आप इसे लड़ेंगे और जीतेंगे इंशाल्लाह। तो सही बात कहूं? हाँ बोलो। हम निगाह कर लेते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम बेटा, आओ बैठो। मुमानी जान मुझे अलिश्बा से कुछ बात करनी है। सपने क्यों टूट गए सारे तू बता। अब और बर्दाश्त नहीं होता गुलाब, तुमसे दूर नहीं रह जाता। बर्दाश्त नहीं होता तो अपने घर वालों को भेजो ना, मुझे क्या कह रहे हो? हाँ अगर तुमसे नहीं कहूँ तो किससे कहूँ मैं? इस पूरी दुनिया में सिर्फ तुम ही तो मेरी सुनती हो, तुम ही तो मेरी अपनी हो, कसम अल्लाह पाक की। लेकिन फिर भी ऐसे बात नहीं बनेगी, अपने घर वालों को भेजना पड़ेगा। घर वालों से कह कह कर थक गया हूँ, सब जानते हैं मैं तुमसे कितना प्यार करता हूँ, लेकिन क्या? घर वाले कहते हैं पहले नौकरी करो। हाँ तो कर लो ना नौकरी फारूक, अब कितने दिन हो गए। वैसे भी भाई ने अगर मुझे किसी और के पल्ले बांध दिया ना तो तुम ही हाथ मलते रहोगे। ऐसा नहीं हो सकता गुलाबू, तुम सिर्फ मेरी हो और मैं तुम्हारा हूँ। मैं दिल से तुझे अपनी बीवी मान चुका हूँ, बस निकाह नामे पे साइन करना बाकी। रहने दो रहने दो, अब ये बातें बहुत सुन ली, कान पकने लगे हैं मेरे इन बातों से। सही कहती हो तुम, मेरे घर वाले भी मुझे यही ताने देते हैं, कहीं भी नौकरी मांगने जाओ तो साले सब तालीम का पूछते हैं। क्या करूं मैं, बचपन में हालात और बीमारी की वजह से मैं अपनी तालीम जारी नहीं रख सका, पढ़ नहीं सका मैं। अच्छा तुम रो तो मत प्लीज। रहने देना गुलाबू, रोने दे मुझे, मैं तो अपनी किस्मत पे रो रही हूँ। तुम्हें अंदाजा नहीं, सुबह शाम दिन रात दुआएं मांगता हूँ नौकरी मिल जाए। और जल्द से जल्द तुझे अपनी दुल्हन बना के ले आऊं। अच्छा ना फारूक प्लीज, अब तुम रो मत, प्लीज चुप हो जाओ। गुलाबू एक तू ही तो है जो मेरी अपनी है, तुझसे एक बात कहूं? हाँ बोलो। हम निगाह कर लेते हैं। क्या? वैसे हमें जरूरत तो नहीं है, लेकिन दुनिया वालों के लिए निकाह कर लेते हैं, छुपके। छुपके?
तुम्हारा दिमाग तो खराब नहीं हो गया फारूक? सोच ले, इसके अलावा और कुछ चारा भी नहीं है। बस एक बार निकाह हो जाए ना, फिर तो हमारे घर वालों को हमें कबूल करना ही पड़ेगा। भाई तुमने सुना नहीं, जब मियां बीवी राजी तो क्या करेगा काजी? वो तो ठीक है, लेकिन ये सब कुछ होगा कहाँ? कोर्ट में? अरे कोर्ट में क्यों, मेरे दोस्त के घर निकाह करेंगे और फिर वहीं रुखसती। रुखसती? मेरा मतलब रुखसती बाद में हो जाएगी ना, और फिर हम दोनों। मुझे सोचने दो। सोचो, आराम से सोचो। तुम खुदा के भाई से बात कर लो ना। बिल्कुल नहीं मानेगा वो गुलाबो। अबे पता है ये दौर बड़ा कमीना है, इस दौर में या तो गाड़ी वाले को सलाम है या फिर तालीम वाले बाबू को। हम जैसे मोहब्बत करने वालों को कौन पूछता है? मैं तो तुम्हारे लिए कुछ भी कर सकता हूँ जान। हाँ रहने दो, बस एक नौकरी तो कर नहीं सकते, और क्या करोगे? मालिक आपके लिए वो भी कर लेंगे, बस एक बार निकाह हो जाने दे, बाकी मैं सब संभाल लूंगा, तेरी कसम गुलाब। अयाज भाई, जफर भाई भी अचानक रुखसत हो गए। जफर भाई भी वाकई बहुत नेक और शरीफुल नफ्स किस्म के इंसान थे, बड़े वफादार भी थे, सारी जिंदगी शराफत से गुजार दी और आखिर में मिला क्या? शमशाद भाई क्या कह सकते हैं, आजकल का माहौल बहुत खतरनाक और जानलेवा है, शरीफ आदमी किसी हाल में खुश नहीं है। अयाज भाई, उनको तो बड़ी बेटी की तलाक और छोटी बेटी के साथ पेश आने वाला दर्दनाक हादसा निकल गया। हालांकि पिछले दिनों बड़े खुश थे कि अनाबिया वापिस जा रही, फिर अचानक इतला मिला कि अनाबिया ने जाने से इनकार कर दिया। खुदा जाने क्या सच है और क्या झूठ। मैं कुछ भी कहूं आज भाई, मैं जफर भाई को 25 बरस से जानता हूँ। साजिदा भाभी और जफर भाई ने अपनी बच्चियों की तरबियत बहुत आला की है, उनकी किस्मत में तो कमी बेशी हो सकती है लेकिन उनमें कोई ऐब नहीं है। आप ठीक कहते हैं शमशाद भाई, जफर भाई खुद भी बहुत नेक इंसान थे और उन्होंने उसी तर्ज पर अपनी दोनों बेटियों की तरबियत की। जब उनके घर पुलिस आई, ये सब देख के बहुत अफसोस हुआ। पुलिस, थाना, कचहरी, अल्लाह सबको इनसे दूर रखे। और फिर घर में जब मर्द ना हो तो मुश्किलें और भी बढ़ जाती हैं। हाय हाय, अल्लाह ताला जफर भाई को गरी के रहमत करे और उनकी बेटियों के लिए आसानियां पैदा करें। आमीन। अच्छा शमशाद भाई, अब मैं चलता हूँ। ठीक है। अलिश्बा, मेरी बहन मुझे माफ कर दो, मैं जानती हूँ कि मेरी इस माफी से गुजरा हुआ वक्त वापस नहीं आएगा और ना ही तुम्हारे दुखों का मदावा होगा, लेकिन तुम्हारी सहेली होने की हैसियत से ये मेरा फर्ज है कि मैं अपनी दोस्ती का हक अदा करूं। रहने दो सानिया, हूं मैं भी जानती हूं कि इसमें तुम्हारा कोई कसूर नहीं है, बस जो किस्मत में लिखा होता है ना वो तो होकर ही रहता है। अनाजी, अपने वसीम के साथ जो कुछ भी किया बिल्कुल ठीक किया, अगर मैं आपकी जगह होती तो मैं भी यही करती। मैं तुम्हारी पोजीशन समझ सकती हूँ, तुम्हें गिल्टी होने की जरूरत नहीं। वसीम की बहन हूँ ना, इसीलिए कुछ कह नहीं सकती, लेकिन मुझे यकीन है कि उसने ये गंदी हरकत जरूर की होगी। लेकिन उसे कोई कुछ क्यों कहेगा, लड़का है ना, बेटा है, बेटों की तो सारी बात सुनी जाती है। मुझे उस दिन शक हुआ था क्योंकि वसीम उस दिन घर से भाग गया था और जब वापस आया तो डरा हुआ था, सहमा हुआ था, जब भी दरवाजे पे दस्तक होती तो चौंक जाता था। मैं बहुत शर्मिंदा हूँ। अच्छा छोड़ो, तुम अपना दिल छोटा मत करो, तुमने माफी मांगी यही बहुत बड़ी बात। आप कितनी अच्छी है ना जी,
काश मेरी भी आप जैसी बहन होती। मैं तुम्हारी भी बहन हूँ, बल्कि हम तीनों बहनें हैं। क्या बात है अम्मी? मैं तो अल्लाह ताला का शुक्र अदा करती हूँ कि अल्लाह ताला ने मुझे बेटी नहीं दी। मास्टर साहब तो अपनी बेटियों का दुख लेके इस दुनिया से चले गए। बड़ी वाली ने खुद अपने शौहर को छोड़ दिया और छोटी वाली के शौहर ने उसे छोड़ दिया। जब इस तरह की हरकतें करेंगी तो कौन सा शरीफ खानदान बर्दाश्त करेगा? ऐसा कुछ नहीं किया लक्ष्मा ने माँ, ये सब उस कमीने वसीम की हरकत है। उस जलील इंसान ने कहीं का नहीं छोड़ा। जानता हूं। और आप क्यों उस तरह की बातें कर रही? ये अच्छी बात नहीं है, गुनाह है। बल्कि तुम कैसे जानते हो कि वसीम ने सब कुछ किया है? मैंने खुद पूछा था उससे, दो लगाए सब बोल दिया। अरे तुम क्यों उनके मामलात में दखल दे रहे हो? ठेका लिया हुआ है क्या तुमने उनका? अरे खुदा खुदा करके तो एक दुकान जमाइए, उस पर ध्यान दो बेटा। तुम्हें क्या जरूरत है उनके कामों में दखल अंदाजी करने की? वो जो करते हैं उन्हें करने दो। जो उन्होंने किया है ना लोगों के साथ, उनके साथ वैसे ही हो रहा है। उन्होंने दूसरों के साथ कुछ नहीं किया माँ, आप भी जानती हैं उनका शरीफ खानदान है। हाँ हाँ जानती हूँ, बहुत शरीफ लोग हैं। जबी तो हर गली में उनकी शराफत के चर्चे हो रहे हैं, हर कोई उन पर उंगली उठा रहा है। तो लोगों का काम है उंगली उठाना, मदद के लिए तो कोई आगे नहीं आता, गीबत के लिए खड़े हो जाते। और आपको ऐसी बातें करनी नहीं चाहिए, ये गुनाह है, सख्त नापसंद है इस तरह की बातें। अल्लाह तुम कब से उनके वकील बन गए जो वकालत करने लग गए उनकी? और तुम अब माँ को सिखाओगे कि क्या सही है और क्या गलत? मैं आपको सच बता रहा हूँ माँ, सिर्फ सच, जो सही है। अगर वो सही है ना तो पुलिस के पास जाएं। पुलिस में आपको पता है क्या होता है माँ, किस तरह की गुफ्तगू होती है वहाँ, क्या सवाल पूछे जाते हैं। और हमारे मीडिया वाले, लड़की के साथ एक बार ज्यादती होती है, वो लोग हर 5 मिनट के बाद ज्यादती करते हैं, उनको कोई नहीं कुछ पूछता, ना अदालत में वकील को ना पुलिस। जो रही सी इज्जत होती है ना, वो भी खत्म हो जाती है। जो हुआ होगा ना उसी की खबर देते हैं। तो दें खबर, लेकिन सिर्फ खबर ही दें, चटखारे ले लेके उछाले ना। यही जो हमारा मुआशरा है ना, इसी की वजह से लोग चुप रहते हैं। सुनो, जो तुम कुछ सोच रहे हो ना, मैं ऐसा कुछ नहीं होने दूंगी। मेरे जीते जी ऐसा कुछ नहीं होगा। ये सब आपके जीते जी ही होगा माँ, और आप ही करेंगे। लेकिन अब ये ना समझना कि मैं तुम्हारी हर बात मानूंगी। आज तक हर बात तो मानी आपने, तभी तो इस साल तक पहुंचा। से क्या हो गया मेरे हंसते बसते घर को, किसकी नजर लग गई? मैं हौसला रखे, अल्लाह सबसे बड़ा है। हौसला ही तो खो दिया है मैंने तुम्हारे अब्बू के जाने के बाद, अब मुझ में और हिम्मत नहीं है। अब्बू भी तो हमेशा अल्लाह पर तवक्कल की बात करते। हाँ लेकिन अब तो वो नहीं रहे ना। हाँ लेकिन अल्लाह तो है जो हमारी सुन रहा है, हमें देख रहा है, और ये सब उसी की मर्जी से हो रहा है। वो इंसान को देकर भी आजमाता और इंसान से लेकर भी। आप परेशान ना हो, सब ठीक हो जाएगा। हाँ बेटा तुम ठीक कह रही हो। एक तरफ तुम्हारे खुला का केस चल रहा है और दूसरी तरफ अलिश्बा घर आकर बैठ गई है। एक बात बताओ मुझे, इस सानिया हमारे घर क्यों आई थी? माफी मांगने के लिए आई थी। कि माफी मांगने से क्या सब कुछ ठीक हो जाएगा? और ये बिल्कुल चुप साध ली थी, कुछ मुंह से फूटती तो पता भी तो चलता ना कि आखिर हुआ क्या था। अम्मी मैं क्या बताती आपको, और मेरे बताने से क्या होता, वही जो अभी हो रहे। अच्छा ना अम्मी, अब बस भी करें। या अल्लाह
मैं तेरी आजमाइश के काबिल नहीं हूँ, मुझ में नहीं है इतनी सकत। रहम कर दे मेरे हाल पर, रहम कर दे या अल्लाह। उमानी जान, उमानी जान। मुनीब। हाँ बेटा आ जाओ। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम बेटा, आओ बैठो। मुमानी जान मुझे अलिश्बा से कुछ बात करनी है। अलिश्बा? सब खैरियत हो? अस्सलाम वालेकुम मम्मी। वालेकुम अस्सलाम, आ गए तुम? जी। चाय बनाओ तुम्हारे लिए। चाय वहां जाके पियेंगे। वहां जाके? कहां जाके? लड़के वाले। लड़के वाले? मैंने आपसे कहा था ना कि एक लड़का है मेरी नजर में, फराकिर। आप तैयार हो जाएं और फरा को भी तैयार कर दें ताकि वो भी लड़के का घर देख ले और आप भी लड़के से मिले। तुम्हारा दिमाग ठीक है? रिश्ता लेके लड़के वाले आते हैं, लड़की वाले क्यों जाएं? इससे कोई फर्क नहीं पड़ता अम्मी कि कौन किसके घर जा रहा है, बात शादी की। शादी के मामलात में ही इन सब बातों का ख्याल रखना पड़ता है। पहले चल के देख लें, बाद में वो लोग भी आ जाएं। क्या हो गया है तुम्हें? नहीं जल्दी क्या है, और तुम अच्छी तरह जानते हो कि फरा का रिश्ता आने वाला है। अभी तक कोई अता पता नहीं है अम्मी उस रिश्ते का। मैं अगले महीने फरा की शादी कर रहा हूँ, चाहे कुछ भी हो जाए। एक महीने में लड़की की शादी होती है क्या? सब हो जाएगा अम्मी, आप इस किस्से को यही खत्म करें तो बेहतर होगा। जब तक ये मनहूस इस घर में रहेगी कुछ खटका ही लगा रहेगा। तुम्हारा तो दिमाग खराब हो गया है। अरे इस तरह होती है शादियां? तो जब मैं कह रहा हूँ चल के देख लें। ठीक है चलती हूँ मैं, फरा को लेके नहीं जाऊंगी। पहले मैं जाके घर बार देखूंगी, फिर कोई फैसला करूंगी। ठीक, तैयार होके आता। भाई वो मैं क्या कह रहा था कि अब तो सारे कांटे भी हट गए हमारी जिंदगी से, तो अनाबिया भाभी ये घर पैगाम पहुंचाएं। मुझे आज एक बात बताई थी, तेरा जो ये दिमाग है हमेशा फालतू कामों में क्यों चलता है? भाई शादी करना कोई फालतू काम है? बोले ठीक है भाई, कुछ नहीं कह रहा मैं तो बस ये चाहता हूँ कि आप और भाभी खुश रहें, और ये सिर्फ इसी तरह मुमकिन हो सकता है कि आपकी शादी हो जाए। लेकिन आपको तो हमेशा मेरी बातें बुरी लगती है ना, मेरा आप पे कोई हक कोई है? कौन कहता है मुझ पर हक नहीं है यार, है हक। भाई कहता ना मुझे बड़ा भाई हूं तेरा। भाई अगर भाई हो तो तुम मेरी बात मान क्यों नहीं लेते? क्यों इस तरह से जिंदगी घुटघुट के गुजार रहे हो? क्या मैं तुम्हारे दिल का हाल नहीं जानता? भाई क्या मुझे नहीं मालूम कि तुम भाभी की वजह से कितना परेशान हो? ना तुम्हें रात में नींद आती है, ना तुम्हारा शॉप पे दिल लगता है। अच्छा ना यार रो तो ना, क्या हो गया तुझे? चाहता तो मैं भी यही हूं कि उससे शादी करूं यार, कोई तकलीफ ना हो। बहुत बहुत तकलीफें देख चुकी है वो, और ये ना समझ के तकलीफें खत्म हो गई हैं, अभी अभी भी बहुत कुछ है। तो भाई का भी इंतकाल हो गया। भाई मेरा दिल कहता है कि आप और भाभी ना बहुत खुश रहेंगे। नहीं यार अम्मी नहीं मानेंगी, इस बात पे नाराज रहती हैं कि मैं मनाबिया के घर वालों की क्यों मदद करता हूँ, उनके साथ क्यों जाता हूँ। भाई अगर आंटी राजी नहीं है तो कोई कुछ नहीं करता, लेकिन भाई वो आपकी माँ है और माँ ना अपने बच्चे की खुशी ही चाहती है। मेरी माँ नहीं है भाई, लेकिन मुझे मालूम है कि माँ ना अपनी औलाद को परेशानी और दुख में नहीं देख सकती। भाई मेरा दिल कहता है कि आंटी ना एक दिन भाभी का रिश्ता लेके खुद जाएंगी। क्या हो गया यार, देखना बुरे जैसा तू सोच रहा है ना
इंशाल्लाह वैसे ही होगा। मीन भाई चलना यार, मुंह ठीक कर, मुझे इस तरह तो बिल्कुल अच्छा नहीं लगता, वो करना अपना ये है। भाई मैं चाय लेकर आता हूँ। चल ले यार। हंस के जो तोड़ दिए वादे ए खुदा, सपने क्यों टूट गए सारे तू बता। अगर इस मुश्किल घड़ी में मैं तुम्हारे साथ नहीं खड़ा हूँगा तो फिर कौन होगा? एक बात कान खोल के सुन ले तू, दुनिया में कोई भी ऐसा माई का लाल नहीं पैदा हुआ जो तुझे मुझे अलग कर सके। शादी तो तेरे अच्छे भी करेंगे। मैं अपना फैसला कर चुकी। अगर मुनीब उस लड़की का केस लड़ना चाहता है ना, पहले मुनीब उसको तलाक देगा फिर उसका केस लड़ेगा। तुम्हें अपने साथ होने वाले जुल्म, अपने साथ होने वाली ज्यादती का हिसाब लेना है। के जो तोड़ दिए वादे ए खुदा, सपने क्यों टूट गए सारे तू बता। तेरे बाजों कुछ नहीं दिसदा, दस मैं की करां।